एक ऐसा बिरहा आपके सामने प्रस्तुत है बाबूजी। भारत का दुश्मन कौन, हमारे देश का दुश्मन कौन है, और आए दिन दुश्मनी के कसौटी पे भारत को कसता रहता है, बताने चल रहा हूं। चार लाइन भूमिका में भाव है, क्या कहने मास्टर अब सलाम करते हैं कवि के लेखनी को। देश की आन पर आंची आए नहीं, हिंद की लाज नाहर बचाने चला, भाई के खून का प्यासा भाई सही, भाई भाई के खून में नहाने चला। अरे बाबा एक लाइन कव्वाली लगल, जरा टोपी निकालो हमारी एक नंबर वाली लाइन पा गई मोहतरमा जी निकल गई आएंगे। लाइए दीजिए, लीजिए। बकरीद वाली है जनाब, अभी रमजान चल रहा है, ईद वाली दो, ईद वाली। अरे भुला गई हमें आप टोपी वाले के नाम से जानते हैं, राम जन्म जाबाज टोपी वाला। नाथ हो, कथा हो, कलाम हो, गजल हो या कव्वाली हो, जब एक भाव आवेला तो थोड़ा थोड़ा टोपी लगा करके हम प्रस्तुत करते हैं। कार्यक्रम जब तय हो रहा था तो कमेटी के भैया लोग बैठे, हमारे कमलेश प्रवक्ता साहब बैठे हैं, कहे बड़ा अच्छा रहेगा आप हिंदू होकर के मुसलमान का कलमा पढ़ते हैं, नूरजहां जो है मोहंडम की बेटी है और बिरहा गाती है, वो हिंदू का जो है बिरहा गाती है, तो बड़ा मजा आएगा। मजबे तो आएगा आएगा, आप लोग टेंशन न लें। आइए दो लाइन लगा कर हमें हमद कथा देना बेटा, आओ। बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूं। अरे बाबा बाबा बाबा, बड़े बुजुर्गों का मैं एहतराम करता हूं, मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूं। अरे वाह, देते हैं दुआएं और बढ़ाते हैं मर्तबा, अरे वाह, फिर बाद में बैठकर बड़े अदब से उनसे कलाम करता हूं। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? खैरियत है जनाब, सुकून से हैं? बिल्कुल। आदाब? पूरा आदाब की गलत अल्फाज नहीं बोलने का, अल्फाज कहो ना भैया। प्रेम भैया चकिया से ये पुरस्कार प्रदान किया हमारे प्रेम भैया, बड़े प्रेम से चकिया की धरती से भैया के सलाम आदाब प्रणाम, जय भीम जय भारत, नमो बुद्धा, खुदा हाफिज। आइए गलत अल्फाज नहीं बोलने का, वाह वाह वाह, अल्फाज कौन है भैया? ये जो टोपी लगाए बैठे हैं खुद में बाबूजी, कौम के मुसलमान नहीं है। अरे वाह वाह, क्या है? हम सब हिंदू हैं, लेकिन उल्फत पाई है मोहम्मद की, मोहम्मद की, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अरे वाह, क्या हिंदू क्या सिख क्या ईसाई क्या मुसलमान, सबका मालिक एक,
हैं, वही रहमान है, वही वाहिगुरु गॉड है। अरे बाबा, इसलिए टोपी वाला कहता है। बाबा बाबा क्या कहता है? धरो बाबू, मदीने की गलियों में घूमे हाजी मोहम्मद सही के कदम चूम लूंगा। या रसूल अल्लाह, जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर, जिन आंखों ने देखा है तैबा का मंजर, वो आंखें खुदा की कसम चूम लेंगे। ओम की जान बनकर जाएगा, ओम की जान बनकर जाएगा, एक अच्छा इंसान बनकर जाएगा, एक हिंदू मदीने की जानी अहले ईमान बनकर जाएगा। जब जाऊंगा मैं प्यारे मोहम्मद के गांव में, खजूरों की छांव में जन्नत को देख लूंगा, जन्नत को देख लूंगा हजरत के पांव में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह हो अकबर। अब इन टाइम नमाज के नहीं भैले। अरे भैया, थोड़ा देर के लिए हमें कव्वाल मान लें। अरे बाबा, और इधर कव्वाला। बा बा बा, किधर कव्वाला? उधर कव्वाला। बा, उधर खजवाला। ये मेरी मोहतरमा है, गुलनार है। एक शेर याद आ गया मोहतरमा जी के लिए। बा बा बा, सर हिंदी पढ़िएगा। क्यों? उर्दू हमारे नहीं समझ में आवत। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? महीना रमजान का चला, थोड़ा समझा करो भाई। ये मेरी एक कौवा कौवाला है, मैं कौवाल हूँ। एक शेर है मोहतरमा जी के लिए। अजी अजी तेरी चू, 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 तेरी चूड़ियों के खनक से, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा जहां, बाबा बाबा मेरा जहां, तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा जहां, मेरा जहां, मेरा जहां, मेरा जहां, मेरा झांझर सा दिल टूट गया। अरे वाह, तेरी चुड़ियों के खनक से मेरा झांझर सा दिल टूट गया। ओ माई डार्लिंग, तेरी बू, 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 तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, मेरा लन, तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लन, मेरा लंदन जाना छोड़ गया। तेरी चूड़ियों के खनक से मेरा झांझर सा दिल टूट गया। तेरी बुलबुल जैसी बोली पे मेरा लंदन जाना छोड़ गया। मैं यहाँ हूँ, आप लोग कहाँ हैं? आप लोग अन्यथा मत अर्थ लगाई। यह शेर है मोहतरमा जी के सम्मान में, और एक कव्वाली का आनंद लें। कौन कव्वाली बेटा, आओ। दीवाना 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 कह रही है इसीलिए, अरे दुनिया मुहम्मद का, सर के भाव देना।
भैया के प्रणाम बा, सलाम सभी प्रणाम बा। धरा दीवाना कह रही है इसीलिए अरब दुनिया मुहम्मद सांस पर अरे कलमा मुहम्मद का और जी 100 रुपए का पुरस्कार कमेटी के कर्मियों द्वारा प्रदान किया गया। कमेटी के हर पदाधिकारी महोदय लोगों को बहुत बहुत सलाम। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय खुदा हाफिज। जय मूल निवासी जय संविधान। लेकिन बात हम बताई ले बाबूजी कव्वाली बदल जाए मेरी टोपी कलर बदल जाए। तुहार कलर कब बदली भैया? तू पागल हुआ? यह गॉड गिफ्ट है, बदलने वाला नहीं है। काला को काला न समझो, काला सब में आला है। काली पुतली काला सुरमा ओ माय डियर आंख में रहने वाला है। अरे माय डार्लिंग बिरहम बड़ी भी योर लाइन बाबूजी गौर करी है। कैसे माटर बढ़त जाई और चढ़त जाई कैसे लाल हमारे देश के जाबाज जवान, हमारे देश के रणबांकुरों की यही आवाज है। बहुत बर्दाश्त कर लिया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या जवान कहते हैं? बगावती बगावत 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 बगावती ना करो मुझसे जवानी बाकी बना दूंगा। भैया सुरेश मिस्त्री के कर्कम द्वारा सादर 51 रुपया सम्मान किया गया। आपके श्री चरणों में नमन प्रणाम करते हैं। सादर जय भीम जय भारत। बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य जीवित बाबूजी मुसरदे के धरती से जी पुरस्कार शरण में आपके नमन प्रणाम। बगावत ना करो मुझसे जवानी लिखाई लिखाई दूसरा हर रोम में अरे आगी लगा दूंगा। लिखाई दूसरा हर रोम में अरे आगी लगा दूंगा। बगावत ना करो मुझसे जवानी बागी बना दूंगा। लिखा हिंदू सता हर रोम में आगे लगा दूंगा। इस कहानी का शुरुआत हो गल समझावे के ना हो बिल्कुल पानी तरह कहानी साफ हो चल जाए। आइए लाल दबा के क्या बात है। अब सही रहे बहादुर क्या बात है। अरे गुलाम दे
आए दोनों चल करके। उन्नीस सौ सैतालीस में देश जब आजाद हुआ, आगे चल के भाई भाई में विवाद हुआ। उन्नीस पचास छब्बीस जनवरी के मेले में देश हमारा फंस गया इसी झमेले में। गौर करेंगे बाबूजी लोग, जब देश गुलाम था तब पाकिस्तान नहीं था, चीन नहीं था। जानते हैं क्या रहा? केवल केवल हिंदुस्तान रहा। जब ही देश आजाद हुआ, बाबा साहब संविधान पेश किए और देश आजाद हुआ, तब एक विवाद हुआ। अरे बाबा, कौन है बात? बड़की कुर्सी का। बाबा बाबा, कुर्सी का? हाँ हो, बड़की कुर्सी के विवाद तब्बो रहो अब्बो हो। बड़की गुरुजी बैठी, कवि जी आमा बैठे। बड़की कुर्सी के विवाद तब भी रहल बाबूजी और आज भी हो। बाबा जिन्ना कहे कि हम बड़ी कुर्सी बैठब, और जवाहरलाल नेहरू कहे कि हम बड़ी कुर्सी बैठब। बाबा आजाद भारत में विधि मंत्री का पद मिला बाबा साहब को, और गृह मंत्रालय दे दिया गया। जानते हैं किनको? किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि बड़ी कुर्सी का अधिकारी वही थे, लेकिन भारत के राजनेताओं ने चाल किया। भारत के राजनेताओं ने चाल किया क्या? कि हिंदुस्तान की बड़ी कुर्सी पर नेहरू जी बैठेंगे, जवाहरलाल नेहरू बैठेंगे, और जिन्ना को ये पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है दे दिया जाए, अपना अलग राज बना करके ये जा करके अपने उस कुर्सी बैठ जाए अपने अलग देश में। पाकिस्तान का हिस्सा लेकर के जिन्ना बंटवारा कर लिया, चला गया बड़ी कुर्सी पे पाकिस्तान में। आ हिंदुस्तान में रह गए जवाहरलाल नेहरू। एक फतवा जारी हुआ। अरे कौन है बात का? जानते हैं कि एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। अरे कानून मंत्री के पद पे भारत के रत्न बाबा साहब विराजमान रहे। बड़ा कष्ट हुआ बाबा साहब को जब राजनेताओं ने फतवा जारी किया कि हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहेगा, सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, हिंदुस्तान में केवल हिंदू रहेंगे। आय हाय हाय हाय, छोड़कर हिंद मुसलमान पाक जाने लगे, भाई जान बिस्मिल्लाह आंसू बहाने लगे। कौन बिस्मिल्लाह है? बनारस का सहनाई वादक नहीं, क्रांति वीर रहा, आजादी का दीवाना रहा, बड़ा लड़ाकू वीर रहा, नाम रहा बिस्मिल्लाह खान। वह बड़ा देशभक्त रहा, देश की आजादी के लिए लड़ाई बराबर लड़ा था। रोए लगले बिस्मिल्लाह खान, आरोय के खे बात लगले कहे भारत के राजनेताओं से। क्या बात कहे बाबू? बिरह में गीत लग गई। कौन गीत मास्टर? अब जब से जब से नैना लल बात आगे बढ़ल, जब से नैना लल रोज अखिया रहले इंतजार में, रोज अखिया रहले इंतजार में हो दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में।
भारत के राजनेताओं से बिस्मिल्ला खान रो करके बोल पड़ा, का बोलने बाबू तनी गौर करिए। बिस्मिल्ला तूफानी हम है खाटी हिंदुस्तानी, अंग्रेजवन से लड़े कहल तो हम भाई रहे, सिख भाई रहा, मुसलमान भाई रहा, हिंदू भाई रहा, ईसाई भाई रहा। आज जब देशवा आजाद हो गल तो हम मुसलमान हो गए, नहीं दुश्मन हो गए, नहीं अब हम पाकिस्तान जाएंगे। याद दिलाओ तुम्हें का लड़ली आजादी लड़ाई गई ला भूली अशफाक उल्ला गई ला फसिया पर झूली, मेरा ही भाई, मेरा छोटा भाई, नाम था अशफाक उल्ला, इसी देश की आजादी के लिए फांसी पे झूल गया। और मैं आज पाकिस्तान जाऊं तो ई तो बता दे जा, भले होवे बटवारा भाई मिली ना दुबारा, लोग समझावे लगले ए बिस्मिल्ला जाना पड़ेगा बाबा, हिंदुस्तान में आप नहीं रह सकते हैं, भाई आपका फांसी पे चढ़ गया तो दोबारा नहीं आएगा ना मिलेगा, लेकिन आपको पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आंखों में आंसू लेकर के बिस्मिल्ला खान घरे इलन, घरवा के हो दुल्हन का नाम जरीना बेगम, दुइये बेटा हूँ, बड़का बेटा का नाम अजहर और छोटा बेटा का नाम हैदर, छोटे छोटे हुए दोनों बचपन के लिए कोई अंगना में खियावत पियावत है, आकर के बिस्मिल्ला खान कलाई पकड़ लिए, कुछ मिलल कुछ मिलल एक दाव हमार बिजो बड़ा बिजोड़ल है लेकिन निकल गई ओहर। खैर शुक्रिया है आपका, शुक्रिया क्या बात है, आज पहली मुलाकात नूरजहां बेगम जी से हमारी हुई है। अच्छा जगत में जनाब हैदर अली जुगनू प्रवक्ता साहब, बिरहा जगत में जनाब हैदर अली जुगनू प्रयागराज इलाहाबाद के रहे, बड़े ऊंचे क्वालिटी के कलाकार रहे, उनके सामने हम लोग बच्चा थे, लेकिन उनके साथ में बंबई के कामगार स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, दो तीन बार बंबई में, बनारस में, मिर्जापुर में, तमाम जगह कार्यक्रम गाए और दुनिया से अलविदा हो गए जनाब हैदर अली जुगनू जी। जुगनू साहब नहीं रहे दुनिया में, तो मोहंडम परिवार में इस खानदान में एक लड़की नूरजहां बेगम, जो जिन्हें बुला करके आपने सह सम्मान से गवा रहे हैं,
मैंने नाम तो बहुत सुन रहा था मोबाइल फोन पे, जब ये लाई बातें तो लाइक कर रहा था, लेकिन आज मुलाकात हो गई मुस्तरदह की धरती पर। अरे क्या बात है, तो मुलाकात हो गई और दीदार हो गए। याद रहे बिस्मिल्ला खान रोते रोते घर गए, दुल्हन जरीना बेगम दो बच्चों को लेकर के आंगन में बैठ के खाना खिलाओ तहली, और तबले जाए के दुल्हन का कलाई पकड़लन, ना तोबा बोल दो हिंदुस्तान के अन्न और पानी को। दुल्हन कही क्यों, कहे कि चलो देश बट गया, अब एक भी मुसलमान का परिवार या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे। दुल्हनिया झिल्लाए के खड़ी हो गई, जरीना बेगम कली का कहला राजा, हमें जन्म भल तो से ही हमें हमार जन निकाह भल, दो बच्चों की माँ यही हुई, और आज देश आजाद हो गया। अंग्रेजों को गुलामी में देखी हूँ और देश आजाद हो गया तो मैं पाकिस्तान जाऊं। दुल्हन कैसे कले माटा आवा, क्या बात है, कौन गीत था, शहर के लड़की देहात में चल गई, क्या कर चल गई, देहाती लड़का लगना हो रहा खियावे के चक्कर में पड़ गया, हाँ वो हो रहा नहीं जनता, गेहूँ कहा कुछ तोला चना को हो रहा होला, अच्छा अच्छा लगल खियावे के चक्कर में पड़ गए, लड़किया कलश की मैं आटा का पेड़ खोज रही हूँ, आटा का पेड़, आटा का पेड़ जो समझ में आओल के अमरुद का पेड़ होला, आम का पेड़ होला, तो गांव देहात में आटा का पेड़ भी होला, ओके केहू ही ना बतौल कि गेहूँ बोवाला वह है दवाला वह है पिसाला तो आटा मैदा हो जाला, ये पोलोथीन लेके आटा का पेड़ खोजत हो गाँव देहात में, आटा का पेड़ कहाँ मिलेगा, तब लड़का कह ले का कल मास्टर आवा आई हो दादा ले बुका तू जान, हे जानिया अपन जलवा दिखा के, जरीना बेगम खड़ी हो गई बिस्मिल्ला खान के सामने और खड़ी होके ऊंची आवाज में कही, का कही बाबू, हम नहीं जाई पाकिस्तान, हम नहीं जाई पाकिस्तान, ये सैया रह के हिंद में बिता ले, यही हिंदुस्तान में रह के जिंदगी बिता ले, लेकिन जाब ना जैसे देशवा बट गल वैसे हमारो तो बंटवारा हो गई, बड़का लड़ाई वाला बनतला है, अब तक पाकिस्तान तू जा हम हिंदुस्तान रहो, बिस्मिल्ला खान कल का रख ले हो कि बंटवारा करबू, क्या रखी है तब दुल्हन बताओ थे का कले बाबू आवा, छोटे भाई पास हमारे
सैया रह के हिंद में बिताली। बंटवारा की बात आप किए हैं, दो बेटे हैं, बड़ा जहर है, छोटा हैदर है। छोटका लड़का के हमके दे दा, अब बड़का लड़का तू ले जाइए, बंटवारा हो गई। नहीं माने, बिस्मिल्ला खान के ऊपर ऊपरी दबाव था, बड़े बेटे का उंगली पकड़ी और लेकर के हिंदुस्तान से चले गए पाकिस्तान। बड़का लड़का अजहर के लेके बिस्मिल्ला खान चले गए पाकिस्तान और छोटा बेटा हैदर को लेकर के माँ जरीना बेगम रह गई हिंदुस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान में गई ना बाबूजी, तब थोड़े दिन बीतल तब पाकिस्तान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसका नाम था जिन्ना साहब, व्हाइट हाउस में एक कौमी मीटिंग आहूत की। कौमी मीटिंग के दौरान जिन्ना साहब कह रहे थे, क्या देखा हमारे लोगों कितना अमन चैन से है, कोई दिक्कत किसी परेशानी कोई को नहीं है। अभी देखो ये चीन भारत पे चढ़ाई कर रहा है, अगर हम भारत में होते तो हमको भी चीन से लड़ाई करना होता, खून खराबा होता। लेकिन पाकिस्तान में आ गए, अपने मुल्क में आ गए, बड़े अमन चैन से हैं, कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तब तक बिस्मिल्ला खान करीब मंच के धीरे धीरे पास आए, कहे हजरात हमें थोड़ा सा मौका देंगे बोलने के लिए। कहे आइए आइए आइए, अब तो बड़े क्रांति वीर हैं, आइए। मंच पे चढ़ करके बिस्मिल्ला खान पकड़ लिया और साउंड पकड़ करके कहा कि वाह बारे जिन्ना साहब, बहुत खुश हैं आप, बहुत खुश हैं आप कि किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं है और आपने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर लिया मुट्ठी भर जमीन लेकर, मात्र मुट्ठी भर जमीन। बंटवारा अगर करना ही था तो बराबरी का बंटवारा की होती, चूंकि जब लड़ाई देश में चल रही थी अंग्रेजों को भगाने की बात आई थी तो जितना हिंदू लड़ा उतना मुसलमान लड़ा, जितना सिख लड़ा उतना ईसाई लड़ा, हम बराबर लड़े थे तो हिस्सा बराबर लेना था, लेना चाहिए था। हम बराबर हो जाएंगे, वो कैसे? थोड़ा सा खून बहेगा, खून थोड़ा सा खून बहेगा और पाकिस्तान से सटाए जो कश्मीर है, कश्मीर पे चढ़ाई करते मानेंगे नहीं, नोच करके पाकिस्तान में मिला लेंगे, बस हिंदुस्तान के बराबर हो जाएंगे। कैसे कहना मास्टर? अब क्या बात है, बड़ी रंगीन गीत आ गई। कौन गीत मास्टर? लो कश्मीर पे चढ़ाई करते हैं और नोच करके पाकिस्तान में मिलाएंगे, भारत से मांगेंगे नहीं। का कहने बाबू तनिक और करे कैसे मास्टर? होली
जय राम कृष्ण बाबू मुसरदर से सादर 50 रुपये शरण में बाबूजी के नमन प्रणाम सभी प्रणाम व आशीर्वाद की कामना पर ता जिंदगी रहेगी। पहली बार पाकिस्तान हिंदुस्तान पे चढ़ाई करता है वो भी जिन्ना साहब की अगुवाई में, अरे बिस्मिल्लाह खान के अगुवाई में पहली बार चढ़ाई किया वह पाकिस्तान हिंदुस्तान पे। कौन समय रहा बाबू गौर करिए कैसे माता भारत पर चला भारत के रणबांकुरे नौजवानों को कि पाकिस्तान कश्मीर पे चढ़ाई कर दिया। जवान कमर कस ली। समय सन 65 वाली रहल बाबूजी और हिंदुस्तान की टोली से इस गाजीपुर के धरती के रहने वाला वीर अब्दुल हमीद लड़ रहा था और साथ साथ पैटन टैंक तोड़ करके तब शहीद हुआ वीर अब्दुल हमीद। कौम का मुसलमान रहा। अरे बाबा बाबा भाग निकली है। भाग खड़ी हुई पाकिस्तान की सेना तितर बितर कर दी सब। जुम्मा जुम्मा कुछ दिन बीतल हो 65 के बाद जब 71 आया तब फिर एक बार पाकिस्तान नजर उठाए के देख लस कर फिर चढ़ाई करते हैं लेकिन इस बार बुढ़े फौजी नहीं जाएंगे। रंगरूट जवान चलेंगे। रंगरूट जवानों की टोली इस बार चलेगी। अरे भैया जब 71 में चढ़ाई कैलस तब तक पता चलल भारत के जवानों की फेर आवत है कले आवे दाई परी देखल जाये। उसमें तीनों सेना का गठन हो गल बाबू थल सेना जल सेना वायु सेना तीनों समय का तब तीनों सेना का तब तक गठन हो गल भारत में। आज पाकिस्तान चढ़ाई के लिए तो विधायक पर्वत चढ़ गल बेटा डायरेक्ट चढ़ाओ आओ अरे तिरंगा तुहरे छाती पर गड़ी पर गड़ी सबसे प्यारा हिंदुस्तान का हमारे माटी 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 प्राण से प्यारी हिंदुस्तान की हमारे माटी तिरंगा तोहरे छाती पर गड़ी। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी लोग याद रहे बाबूजी लोग जब जवान आमने सामने बहन है जब लड़ाई के सामने मैदान में इलन तक कभी लिखत हो कैसे मास्टर दातब आवा दर्ज बड़ी भी ओर आ गई मिर्जापुर जिला का पुत्ती खलीफा गांव है चौलर चौलरिया और चुलमुली चुलमुली चौलरिया चौलर ये तीन गीत गवाए और मिर्जापुर जिला से मेरे पुद्दी खलीफा पंडारी खलीफा ये लोग गाँव में अपने जमाने में कैसे मार करता था। अरे बाबा हमें बोला
योर लाइन है, एक तरफ पाकिस्तान है दूसरी तरफ हिंदुस्तान की तीनों सेना लड़ रही थी, अरे थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तब कभी लिखा था कैसे मातर आवा, अरे निकले निकले यारे हो मरे रामा, निकले तो बस गोला टूटे आसमान नवा हो जवनवा कर जो सीमा के ऊपर आना, पाकिस्तानी लगले भाग, भारतीय फौजी बढ़ने आगे, ताकत तो पच गोला उड़ गए, ताकत तो पच गोला उड़ गए, इतना तैयारी में थल सेना लड़त रहा कि पाकिस्तान का सेना तितर बितर हो गई। वायुसेना के विमान इतना तूफान मचा दिया कि पाकिस्तान का मेजर देखा कि पाकिस्तान की सेना को तितर बितर करने वाला एक विमान से आग का गोला गिरा रहा है। मेजर इशारा किया पाकिस्तान का जो तोप चला रहा था, बाबा क्या देख रहे हो, लगा दो उस तोप विमान में तोप का निशाना, ठोक दो गोला। पाकिस्तानी जो तोप चला रहा था, पाकिस्तानी का तोप का निशाना उस लग गया विमान में, ठोक दिया गोला बाबूजी। आज जब विमान में गोला ठोक दलस तो आग लगल, लेकिन जब आग लगल तो जानत ही जा विमान के चलावत रहल जौने लड़कवा के लेके माई बुढ़िया हिंदुस्तान रह गई, जरीना बेगम जिस हैदर को लेकर के हिंदुस्तान रह गई, वही हिंदुस्तान के वायुसेना का पायलट बन गया था बाबूजी, और वही था तो मुसलमान लेकिन हिंदुस्तान के सेना का जाबाज जवान रहा, वही विमान से गोला गिरावत रहा और पाकिस्तान के सेना के तितर बितर करत रहो। यहाँ बिरहान गीत लगल बाबू, कौन गीत लगल, कौनो ननद अपने भौजाई से कहत रहल का कलल मास्टर आवा बारे गीत, अरे सनन रतियो करी पहला लेकिन गाना में भाव हो बाबूजी, गौर करी है चौ जरीना माई के बिटवा बुढ़ौती के कस सहारा रहलू है, एक लड़का के लेते लेके तब बिस्मिल्ला खान पाकिस्तान चल गल ना बड़का लड़का के लेके, लेकिन छोटका लड़का वही वायुसेना का पायलट चला रहा था, आग का गोला गिरा रहा था, तब तक पाकिस्तानी तोप
फूंक तरह गोला जाए कोई विमान में लगल तो विमान में आग लग गई। तो गौर करिए बाबू जी, आग लगल तो देखा बुढ़िया के बेटवा मर जाला कि बचेला। आग तो लग गई जहाज में। का भल बाबू आवा हथेलिया परी जानन जमाना लेके हथेलिया पर अरे जानन जमाना इतना भैया बाबू लोग मुसहरदय के धरती पे बिरहा सुनत हुए। जे भैया विमान से यात्रा कैल हुई जहाज से ते देखले हुई जहाज के हर सीट के नीचे एक पैरासूट होला। कभी भी विमान खतरे में अगर हो जाए तो उस पैरासूट के सहारे यात्री कूद के अपन जान बचा ले। जब जहाज में आग लगल तो बुढ़िया के बेटवा हैदर लेके पैरासूट कूद गया। जहाज ब्लास्ट कर गई लेकिन बाबू जब कूदल त धीरे धीरे क्रमशः नीचे आवे लगल। नीचे आवे लगल लगभग 400 मीटर ऊपर जब रह तब एक हवा का ऐसा झोंका आयल कि हिंदुस्तान में न गिरा के हवा लपेट के ओके ले जाए के पाकिस्तान के सरगोधा पहाड़ी के खाई में गिरे उलस। सरगोधा पहाड़ जहाँ सरगोधा आज पाकिस्तान का एयरपोर्ट है उसी पहाड़ के खाई में ले जाकर के गिरा दिया। पाकिस्तानी फौजी पकड़ लिए, पाकिस्तान के फौजी पकड़ लिए हिंदुस्तान के उस जाबाज जवान को और ले गए हवालात में ले जाकर हाथ में जंजीर पांव में बेड़ी डाल के आओ लगला सुम मारे। मारत मारत जब थक गए सुन बदन के वर्दी उतार दिए सब बिल्कुल नग्न बदन के बदन पर केवल एक चड्ढी बची है और कोहरा सुनगाए के आग लहकाए के वही में उठे छड़ डाल देना सुन। आ छड़ जब लाल भल तब पाकिस्तान का मेजर कहा कि जैसे कह रहा हूँ वैसे मारो यह बता देगा। बिरहा इतने से धारा प्रवाह में हो गई बाबूजी। क्या कहना मास्टर आइए उठाए के एक छड़ जब लाल हो जाए तो उसके निकाले सड़ाक सड़ाक खींच खींच के मारे बनल हिंद का शेर जंजीर में जकड़ल हो। लेकिन जब मारे बाबू तो लाल छड़ के साथे बदन का चमड़ा खिंचा जाए जहाँ छड़ ना पहुंचे वहां धारदार चाकू से खच 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 काट के पूरा बदन का चमड़ा खींच लेलस। तब वो हंसत रहो हंस रहा था कलश की वाह क्या वार कर रहे हो हाथ पैर बांध करके वार कर रहे हो बनते हो मर्द। लेकिन एक बात और कहला कला इससे नहीं बताएगा नमक ले आओ का के लिए बाबू अरे पूछ ठिकाना नमक पोती भारत का पाकिस्तानी आहो सीना पाल कर कड़ा जेल में कई के बंद जुबनी आहो। 5 किलो नमक मंगाई के लगल पोती लोग कहना का भैया कटले पर नून डालत हुआ लगल लेप करे। तब वो जवान हंसत रहा कलश करे साला
तू पाकिस्तान का नमक मेरी बॉडी पर लेप कर रहा है। शायद तुम्हें पता नहीं है कि हिंदुस्तान का नमक मेरी धमनी में रन कर रहा है। तो पाकिस्तान का नमक मेरी बॉडी पर लेप कर रहा है, तुम्हें ये पता नहीं है कि हिंद का नमक मेरी धमनी में रन कर रहा है। तब तक मालूम है काकेले बाबूजी, दोनों छड़ एक साथ उठाया और एक साथ साथ उठा के कैलस का तनी ई देखे लगाए के पिलास अंगुरी के ना खींच लेलस। आज अब ना खूना खींच लस तो जवान के आँख में लहू उतर गल, लाख लाल लाल हो गई। आज अब आँख लाल लाल हो गई तो ही पाकिस्तान का सूबेदार मेजर उठाया दोनों छड़ अखिया में डाल के घुमा दिलस। आज अब आँख में डाल के घुमा दिले बाबू, तब तक वह जवान जंजीर के सहारे उसी जंजीर के सहारे लुढ़क गए लटके। और एक चीज पूछे सुन कि जो आग का गोला गिरा रहा था वो हिंदुस्तान में कहां बनता है? खोपिया ठिकाना बता देगा, भाई जो छोड़ दूंगा नहीं बताएगा, पाकिस्तान में जिंदा गाड़ दूंगा। लेकिन बाबूजी लोग जब आंख फूट गई, नाखूना खींच लेलस, चमड़ा खींच लेलस, तब तो जवान वही जंजीर के सहारे लुटके लगल। कभी कभी जब होश में आवे, कबो कबो जब होश में आवे, तब पाकिस्तान के जेल में वैसे गरजे हो भैया जैसे अदरा का बादर गरजेला। कैसे मास्टर आवा, क्या बात है? जंगल के बीच गरज सिरवा हो महा, जंगल के बीच गरज सिरवा हो महा, वैसे हर सिने गोली हमारे पपिया रे नादान, पाकिस्तानी मेजर मने लाया तलवारी, लाल तलवारी जैसे काट तू लोग का। गरज रहा था और हिंद का हैदर कह रहा था, अरे साला पाकिस्तान वाला, तेरे पास कोई राइफल नहीं है, राइफल में गोली नहीं है, एक गोली मार दे हिंदुस्तानी जाबाज का सीना खुला है, एक गोली मार दे बर्दाश्त कर लूंगा। तूने नाखूना खींच लिया, चमड़ा खींच लिया, आंख निकाल लिया, अब भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और तू खुफिया ठिकाना का पता पूछ रहा है। मर जाऊंगा, जिंदा गाड़ देना कबूल है, लेकिन यह मत पूछो कि हिंदुस्तान का खुफिया ठिकाना कौन है। जिंदा गाड़ देना पाकिस्तान के सरजमी पे, हिंद के नाम एक सलाम कह करके आखिरी सांस ले लूंगा, लेकिन तू सोच कि मैं बता दूं, ये नहीं होने वाला है। तब कलश की गोली मांग रहा है रे मेजर, पाकिस्तान के कहा कि गोली मांग रहा है, तलवार ले आओ, तलवार ले आओ। और हलक से इसकी जुबान खींच, हलक से इसकी जुबान खींच
और इसकी जुबान काट करके अलग कर देता हूँ। मंगाई की तलवार पहले दोनों खच से मरले, कान कटल, आंख फोड़लस, नाखूना खिंचलस। तब कलश की अब एक सिपाही से कहा कि हलक से इसकी जुबान की तलवार से मारूंगा, कट जाएगी, इसकी जुबान भी अलग हो जाएगी। लगाए कि लात सिपाही उसके छाती पर और हलक से जिम ही खींचा जुबान जीप, तब से तलवार जिम ही ताना। सिपाही कहा, सर रुक जाइए, रुक जाइए, इसकी जुबान मत काटिए। अब तो कांप रहा है, अह बता देगा, और जुबान काट लेंगे हलक से इसकी जीभ कट जाएगी तब बता नहीं पाएगा, इसकी जुबान कट जाएगी तो बोल नहीं पाएगा। कहा कि ठीक है, जुबान इसकी नहीं काटूंगा, लेकिन इसके बदन पे चड्डी है ना, उसे नंगा कर दे, नंगा कर दे, और इसका लिंग काट करके इसे मुसलमान बनाकर तब जिंदा गाड़ूंगा। ये हिंदुस्तान का साला हिंदू बनकर के पाकिस्तान में नहीं गड़ेगा, इसे मुसलमान बनाता हूँ, उसके बाद इसे गाड़ता हूँ। जो ही बाबू जी नंग ने बदन किया, बदन से चड्डी भी उतार दिया और लेकर तलवार चला है कि लिंग काट कर इसे मुसलमान बना दूँ, तब तक जब सामने गया तो देखा तो देखता रह गया। कहा कि जिसे मैं हिंदू समझ रहा था वो मुसलमान है, तू मुसलमान है भैया, तू मुसलमान है, बना हिंद का सिर हैदर। कहा कि हाँ मुसलमान हूं लेकिन हिंदुस्तान का, मुसलमान हूं लेकिन हिंदुस्तान का, तू तो दोगला होगा, तू दोगला होगा, पैदा हुआ होगा हिंदुस्तान में, आ गया पाकिस्तान में, तेरे पास कोई दर्द नाम की चीज नहीं है। साला मुझे मुसलमानी करने के लिए आया था कि मुसलमान कर दूं, मैं मुसलमान हूं। तब पाकिस्तान का मेजर की आंखों में आंसू छलक गई अपने कौम के ऊपर, रोने लगा, कहा बड़ी दिलेर वह माँ होगी रे, बड़ा दिलेर वह पिता होगा, बड़ा फौलाद होगा पिता जिसकी तू औलाद है। एक बात तो बता दे, एक बात बता दे, का पूछे था बाबू तनी ई देखे, यही पूछ रहा है बाबूजी, का पूछ ले, कहां दुर्गा रवा तू आ रहवा रे पीराना, बतावा बता दे अपन नाम ठिकाना, कवन माई बाबू तू के देहा न जना, फेंक दिया तलवार हिंद के हैदर के सामने। वह पाकिस्तान का मेजर हाथ जोड़कर खड़ा है, हैदर नहीं देख रहा है चूंकि दोनों आंख फूट चुकी है, हाथ जोड़कर खड़ा है, बड़ी दिलेर वह माँ होगी, बड़ा फौलाद वह पिता होगा जिसका तू औलाद है। एक बार बता दे हिंदुस्तान में तू कहाँ का रहने वाला है, कौन तुम्हारे पिता है, कौन तुम्हारी माँ है, कौन अब्बा है, कौन अम्बी जान है, एक बार बता दे। कहा कि विश्वास करेगा, नहीं विश्वास करेगा, तू दोगला है, मैं तो पता सही बताऊंगा लेकिन तू विश्वास नहीं करेगा। कहा कि नहीं यकीन कर रहा हूं, विश्वास करूंगा, देख भाई मैं झूठ नहीं बोलता लेकिन विश्वास करना, मैं पता बता रहा हूं कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता है और मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, बता रहा है बाबूजी। कितना बढ़िया भाव है, कैसे मास्टर, सारे जहां में सबसे नारा हिंदुस्तान पीराना, जिला जालंधर में साफ मुरमकान Thank you.
हिंदुस्तान में पंजाब प्रांत प्रांत के अंतर्गत जिला जालंधर, जालंधर के अंतर्गत एक गांव है सहसो, सहसो का रहने वाला हूं। मेरे पिता और माता के विषय जानना चाहता है, सुन मैं बता रहा हूं, अब तो ये आखिरी सांस हमारी है लेकिन जान ले, बता रहा बाबू का बतौले। अमाई जरी ना बाबू बिस्मिल्लाह से न दवा, आगोदिया में आज हर है दरी रालाई तुई गो बेटावा। गईले बटवारा में बाबू पाकिस्तान बिरना, माँ जरीना बेगम हमारे अब्बा जान बिस्मिल्लाह खान, जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो हमें लेकर माँ हिंदुस्तान रह गई, और जैसे देश बटा वैसे हमारे अम्मी जान अब्बा जान अपने आप को भारती, अम्मी जान मुझे लेकर हिंदुस्तान रह गई और बड़का भैया हमारा अजहर रहलन, अम्मा अब्बा जान बिस्मिल्लाह खान बड़का भैया अजहर के लेके ही पाकिस्तान में आ गिलन। हमार भैया जियत रहते ना, हमार अब्बा जियत होते पाकिस्तान में ना, तो ऐसी हालात हमारी नहीं होती। पाकिस्तान का मेजर कहा तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू बिस्मिल्लाह खान और जरीना का बेटा हो ही नहीं सकता है, नहीं है, झूठ बोल रहा है। बनहल शेर हिंद के जंजीर में खालस के काली ने के दोगला हुए नमन में, काली के तू दोगला हो नहीं मानोगे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा अपने वल्दियत को बताने के लिए, मुझे क्या पड़ी है, खाक झूठ बोलूंगा, तो आखिरी वक्त है, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस है, काहे को झूठ बोलूंगा। नहीं विश्वास है, मेरी वर्दी जो मेरे बदन से उतारे मेरे बॉडी से, उस वर्दी को जला दी हो या रखे हो, नहीं है, वर्दी के पिछले पॉकेट में, पैंट के पिछले पॉकेट में एक पर्स होगा, निकालो और उस पर्स में देख लेना मेरे पूरे परिवार का फोटो एक साथ होगा। दौड़ करके गया अपने हाथ से पर्स निकाला, पर्स में से खोल के पासपोर्ट साइज की फोटो जब देखा बाबू, तो यहाँ तक दाढ़ी यूं जलबल चाकर छाती लंबी काया का पिता बिस्मिल्लाह खान के गोद में बड़ा बेटा बैठा अजहर, और माँ नकाब में बैठी थी लेकिन नकाब थोड़ा चेहरे से उठा था, हटा था, उसके आंचल में बैठा था छोटा बेटा हैदर। कहा कि तुम्हारे परिवार का फोटो है? हाँ, उस फोटो में मेरे अब्बा जान होंगे, मेरे भैया होंगे, मेरी अम्मी होंगी, और मैं माँ के गोद में, भैया अब्बा के गोद में होंगे। देख ले हमारी तो दोनों आंखें फोड़ दिया, मेरे पास आंख नहीं कि तुझे बताऊं। तब तक कांपे लगल पाकिस्तान का मेजर, तब कांपने लगा, सिपाहियों से कहा इसे मारना मत, मैं इसकी शिनाख्त करवाऊंगा, यूं गया यूं आया, शिनाख्त करवाऊंगा, इसे मारना मत, मारना मत। एक के दौड़ल हवाला से दौड़त दौड़त अपने घर पहुंचल, अपने घर जाकर के दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज देने लगा, आवाज दिया अब्बा जान अब्बा जान अब्बा जान, बाहर निकलो बाहर निकलो अब्बा जान बाहर निकलो। यही फिर ही बाबू आंख पे चश्मा हाथ में डंडा, बाल संजय से है और डंडा के सहारे बाहर आया। उस शख्स का नाम था बिस्मिल्लाह खान। बेटा बेटा अजहर बड़े घबराए नजर आ रहे हो, गए थे कश्मीर लेने के लिए, नहीं मिला क्या? खलस की अब्बा कश्मीर तो नहीं मिला लेकिन एक भाई भाई के खून में नहा लिया। भाई भाई कश्मीर तो नहीं मिला अब्बा लेकिन एक भाई भाई के खून में नहा लिया। चलो अब्बा मेरे साथ हवाला चलो, हिम्मत दे करके हाथ पकड़ करके और कंधा के सहारे लेकर के हवालात में आया, जहां बना हिंद का शेर जिंदगी मौत के बीच में एक एक सांस की घड़ी जो रहा था, लटक रहा था उस जंजीर पे। पाकिस्तान का मेजर कहा कि अब्बा इसे पहचानो, ये कौन है?
चश्मा के सहारे बुढ़वा बाप जब अपनी लाल के देखलस, कलेजा के टुकड़ा के देखलस तो कलेजा में फाट गल। बुढ़वा बाप जब अपने कलेजा को टुकड़ा के देखा तो कलेजा ही फट गया बाबू। कहा कि अरे हराम ज्यादा, ये तू क्या कह रही, ये तो मेरे कलेजा का टुकड़ा मेरा हैदर है, हैदर की ये हालत बना दिया। तेरा छोटा भाई रे बड़का भैया जो ने अजहर के लेके बाबू पाकिस्तान चल गल ले, वही पाकिस्तान की टोली का मेजर था, वही ये हालत कर दिया। और छोटा भाई हिंदुस्तान के और लड़ाकू विमान का पायलट था, गिरफ्त में आ गया, पकड़ में आ गया, तो ये हालत बना दिया बाबू। जानते हैं क्या हुआ? क्या कहा कि कम से कम इसकी जंजीर तो काट रही हराम ज्यादा, जंजीर तो काट, कटल जंजीर, काटल पेड़ की नाई अरराज की, हिंद का हैदर धरती पे गिरल चाहता, लेकिन बुढ़वा बाप यही बाजू पे रोका। बच्चा बेटा हैदर घबराना नहीं, तुम्हारा बाप बिस्मिल्ला खान आ गया, आ गया। कहा है अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, मेरे इन बाजू में इतना दम नहीं है कि हाथ उठा करके आपको सलाम कर सकूं, लेकिन ए अब्बा जान आप आए तो आखिरी वक्त में, मेरी सांस टूटने वाली है, एक वादा करो अब्बा जान कि मेरी सांस टूट जाएगी तो पाकिस्तान के कब्रिस्तान में मुझे दफन नहीं करोगे, मेरी डेड बॉडी को हिंदुस्तान पहुंचाओगे ताकि भारत माँ को आखिरी सलाम कर सकूं और अपनी बुढ़िया माँ को आखिरी पैगाम दे सकूं। हमें हिंदुस्तान पहुंचा देना, इतना कहते कहते सांस टूट गई हिंद के हैदर की। आज जब टूट गई सांस बाबू तक गौर करिए, का भल लाल आबा आप पीएम रहली इंदिरा गांधी उस जमाने में, मुसरदह के धरती से सुरेंद्र बाबू जी की ओर से ये पुरस्कार साहब को, जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय खुदा हाफिज, आप सबको प्रणाम है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। क्या हुआ बाबू जी गौर करिए, इंदिरा गांधी सुन लिया रजिया आई हिंदुस्तान हिंदुस्तान का फौजी पाकिस्तान में मर जाए तो उस समय वह दशक रहा, उस फौजी के डेड बॉडी सह सम्मान से इज्जत से बाइज्जत हिंदुस्तान भेजा जाता था। कोई पाकिस्तान का फौजी हिंदुस्तान में मर जाए तो इसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान भेजा जाता था, वह संजोग रहा। लेकिन आज आजकल तो पाकिस्तान खींच के बहिए हथौड़े काट लेते हो, सुन ठटरिया में बम भर देते हो, सुन इतना देश हो गया। लाश आई गई सहसो गांव में जरीना बेगम के दरवाजे पे, जिला अधिकारी तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, जनाजा जाकर के ताबूत रखा गया, आवाज लोग दे रहे हैं माँ जरीना बेगम बाहर आओ, बाहर आओ, तुम्हारा बच्चा हैदर आया है, हैदर आया है। माँ दिमाग में सोच रही है कि लोग कह रहे कि हैदर आया है, मेरा लाल हैदर आया तो मुझसे क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। आंख से धुंध लौकत है, बुढ़ोती के शरीर है। माई बाहर जब निकली ताबूत के पास गईली, कली बताओ बताओ मेरा कहाँ बच्चा है, कहाँ मेरा लाल है। कान में जिला अधिकारी कहा कि माँ तुम्हारा बेटा हैदर हिंद की बलबेदी पे हमेशा हमेशा के लिए सो गया, आया है जरूर लेकिन बोलेगा नहीं। तो यहां तक मेरे लाल को लाया कौन, कहां मरा, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? नहीं मां पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से यहां तक मेरे लाल को कौन लाया। दो कदम आगे बढ़कर के बिस्मिल्ला खान कहे जरीना हैदर की अम्मी जान, मैं हूं बिस्मिल्ला खान हैदर का अब्बा, मैं ही लेकर आया हूं, मेरा बच्चा आखिरी समय में कहा था
कि मेरे डेथ बॉडी को मेरे गांव पहुंचा देना, माँ को आखिरी सलाम कहना है। माई मुहवा मोड़ लेनी, वह माँ मुंह को मोड़ लेती है और कही कि चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। एक सहारा मैं मांगी थी अपने बच्चे को कि छोटे वाले लाल को दे दे, मेरे बुढ़ोती का सहारा बन जाएगा। इसे भी तूने छोड़ लिया, इसे भी उठा लिया, चले जाओ पाकिस्तान। हाँ, जाके अपने आका से कह देना, एक हैदर नहीं असंख्य हैदर हिंद की बलबेदी पे चढ़ जाएंगे। लेकिन कश्मीर तेरे आका को मौसर नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर हिंद का किडनी और कलेजा है। जाकर कह देना मेरा एक लाल नहीं असंख्य लाल हिंद की बलबेदी पे चढ़ जाएंगे, लेकिन कश्मीर उसे मौसर नहीं होगा। इतने कहत कहत बाबू जी मालूम है का भल, माई जरीना बेगम हुई ताबूत पर सर पटकली, का भल बाबू आबा कहते बुढ़िया छूट गए। तो लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आज से नहीं बाबू, बंटवारे के समय से होती आ रही है। झगड़ा किस बात का है? कौन बात कर? केवल बंटवारे में बराबरी का, बराबरी का झगड़ा है। इसलिए पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान का दुश्मन बन बैठा है। तो आखिरी में कहना किसी बाबू, गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह सुबोधन की बाणी कथन करेंगे हरिद्वार संगम में का बेचू।